हाउ टू चेंज ड्रेस कलर। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, कोल स्टार में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि वीडियो टाइटल में लिखा है, आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी फ़ोटो में जो कपड़े पहने हुए उनका कलर चेंज कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। इससे पहले मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूं, आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पे क्लिक करके, क्योंकि मेरा नहीं आपका अपना चैनल है और यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी नई वीडियो मिलती रहेंगी लगातार। और सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल नज़र आएगी, उस पर भी क्लिक कर दें, उससे आप नोटिफिकेशन पास करेंगे मेरी नई वीडियो की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, इसमें टाइप करना है सर्च बॉक्स में पिक्स आर्ट और सर्च कर देना है। नेट थोड़ा स्लो है इसमें। नेट प्रॉब्लम है थोड़ी। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। आपको सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन, आप इसका आइकन अच्छे से देख लीजिए, ऊपर वाली ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। चलिए मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको बाहर से ओपन करता हूँ। पिक्स आर्ट इसका आइकन आप अच्छे से देख लीजिए, तो ये रही मेरे पास ही पिक्स आर्ट। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज निकलेगा, तो आपको नीचे ऐड ऐड गुलाब पिंक कलर का, इस पर ऐड पे क्लिक करना है एडिट, और ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको इसमें से जिस भी फ़ोटो में अपने कपड़ों का कलर चेंज करना है उस फ़ोटो का आप चूज़ कर लीजिए। तो जैसे मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ तो आपके पास कुछ ऐसा नज़र आएगा। आपको नीचे से आपको दिख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे एफएक्स इफेक्ट्स को आप चूज़ कीजिए। इसमें आपको सबसे नीचे सेकंड लास्ट पे कलर्स नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, और ये थर्ड नंबर वाले फ्लावर्स है कलर रिप्लेस, इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास सर्कल सा बना आएगा और उसमें प्लस का निशान है, तो आपको जिस भी कलर को रिप्लेस करना है, जैसे आपको इसको रिप्लेस करना है या क्लॉथ को रिप्लेस करना है, तो उस पर आप अपनी बीच में जो सेंटर में ऐड है इसको ऐड प्लस के निशान को उस कलर पे रखिए। जैसे मैंने टी शर्ट का कलर चेंज करना है तो मैं इसको टी शर्ट पे रखता हूँ प्लस के निशान को, ये देखिए। तो आपके पास ऐसे कलर चेंज आएंगे। जैसे मैं इसको आगे पीछे करता हूँ तो मेरी इसका कपड़ों का कलर है जो चेंज होगा ऑटोमेटिकली। तो मैं ऐसे मनचाह कलर ले सकता हूँ, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, जो भी है, मतलब आप यहाँ से इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया है, और इस तरह से आप इसको यहाँ से क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए सेव टू गैलरी, और फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे अभी मैं दूसरी फोटो करके दिखाता हूँ आपको कलर चेंज। जैसे मैंने जस्ट डू इट इस वाली फ़ोटो को लिया, इसमें मैंने कलर क्लिक किया कलर रिप्लेस, यहाँ से मैं जो भी मुझे कलर चेंज करना है तो मैं उस पर प्लस पॉइंट है तो उसको रखूँगा। जैसे मैंने जस्ट डू इट लिखा हुआ इसका कलर चेंज करना है तो मैं प्लस को इस पर रखूँगा, और सॉरी कुछ अच्छे से नहीं हुआ, दोबारा से करना पड़ेगा। मैंने इसको कलर चेंज करना है, ये देखिए ये कलर है जो वो चेंज हो जाएगा। मैंने ग्रीन पे करना है, सही मैंने इस पर क्लिक करूँगा और इसको गैलरी में सेव कर लूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक, और जो आप कमेंट देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा या भी कुछ और चाहते हैं आप, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट का वेट करते रहते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि हमारा नहीं आपका चैनल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए।
और एक लाइक ज़रूर।